तो हम आज बात कर रहे हैं आपके साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। जी हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, बाकी फॉर्मेटिंग से आपने देखा कि किस तरह से हमने एक सेल को फॉर्मेट किया। तो जैसे मान लीजिए, इसी को सेलेक्ट करके अगर मैंने कलर कर दिया, तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि सेल के अंदर क्या टाइप। इसका काम था फॉर्मेट कलर करना, इसने कलर कर दिया, राइट। लेकिन कंडीशन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि भाई किसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे कलर हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि मेरी क्वांटिटी जो ग्रेटर देन 200 है ना, वो हाईलाइट हो जाए। मान लीजिए 200 से ऊपर की क्वांटिटी को अच्छा माना जाता है, और उससे नीचे क्वांटिटी पे हमें ध्यान देना कोई जरूरी नहीं, हम ऊपर से उसकी ऊपर की क्वांटिटी पे ही ध्यान दें, ठीक है। तो उस केस में सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भाई कई सारे, इसमें सबसे पहले आता है हाईलाइट रूल्स। आप ग्रेटर देन को सेलेक्ट करो और यहाँ पे अपना कंडीशन, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर नंबर आ जाएगा तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए, आप अपने हिसाब से लीजिए, वो एवरेज दे देता है। जैसे हमने यहाँ पे 200 किया, ये कलर हो गया। तो ये जो कलर हुआ है वो तो डिफॉल्ट कलर हुआ ना, क्योंकि तो हम तो अपने हिसाब से कलर यूज करते हैं ना सर। तो यहाँ आपके सामने कई सारे डिफॉल्ट कलर है, अगर इनमें से कोई पसंद नहीं आता है तो आप कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम फॉर्मेटिंग में आप अपने हिसाब से जो फॉर्मेटिंग लेना चाहे वो तो ले सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी कलर को येल्लो करना चाहता हूँ, सिलेक्ट ओके एंड सिलेक्ट ओके। तो ये अप्लाई ही नहीं हुआ है, मेंटेन भी हुआ है। जैसे देखिए, 153 को अगर मैं यहाँ पे 351 करके एंटर मारूँ तो कलर हो जाएगा, और इसको मैं 184 कर दूँ तो देखिए कलर हट जाए। तो ये सिर्फ कलर अप्लाई नहीं करता, उसको मेंटेन रखता है। कल के डेट में डेटा चेंज होती है तो फॉर्मेटिंग भी चेंज होगी, अप्लाई और डिस्प्ले अपने आप होता रहे। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है फॉर्मेटिंग हमारे। तो इसमें सबसे पहले ग्रेटर देन, किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा को हाईलाइट करता है। लेस देन, किसी नंबर से छोटा, बिटवीन टू नंबर्स के बीच की। अब इसमें जो है तीनों में डेट टाइम एंड नंबर डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रेटर देन पूजा कर दीजिए या ग्रेटर देन रवि कर दीजिए, वो सुटेबल नहीं होगा, ठीक है। इसमें डेट, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे डेट डालना है, ये ग्रेटर देन 2001 2010। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन में आते हैं और यहाँ पे देते हैं 2/01/2001, ठीक है सर। इस तरह से टाइम वगैरह भी आप दे सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट सेल हाईलाइट करना है तो ये रहा इक्वल टू। जैसे मान लीजिए मुझे ठीक हाईलाइट करना है कि ये आपका, मान लीजिए मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना है कि भाई 8.65 को हाईलाइट। अब यहाँ पे इक्वल टू 8.65। अब बोले हाईलाइट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट है, क्या है। एग्जैक्ट है तो अगर मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ तब हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर डेसिमल था इसलिए एग्जैक्ट नहीं था, समझे नहीं सर। क्योंकि आप 42.74 है, अब जरूरी थोड़ी कि 42.74 ही होगा, उसके अंदर और भी तो हो सकते हैं ना। तो कैसे करें भाई इसके लिए। तो इसमें एक आपका डेट टेक्स्ट दैट कंटेन आता है, शायद इससे हो जाए। 42 दिख रहा है, 0.74, ठीक है। तो कंटेन इसी तरह से मान लीजिए कि आपका सिटी है, अब सिटी में आपको यहाँ पे न्यू दिल्ली दिख रहा हो, न्यू दिल्ली दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट हो। तो अगर मैं इक्वल टू करता हूँ तो सिर्फ दिल्ली होगा या न्यू दिल्ली होगा, दोनों तो होगा नहीं। तो टेक्स्ट दैट कंटेंट पे आते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम दिल्ली लिखते हैं। आप दिल्ली, न्यू दिल्ली के साथ हो या सिर्फ अकेले हो,
को हाईलाइट कर दे, ठीक है? तो ये आपको हाईलाइट कर दे, क्लियर सर? जी, तो ये आपका टेक्स्ट दैट कंटेन था, जो कि जो वैल्यू डालते हैं उसके अकॉर्डिंग चलता है। फिर आता है डेट ऑफ। अब जैसे ये तो 2010 का डेटा है, लेकिन मान लीजिए कि डेटा करेंट का हो, मैं एक चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ तो ये 22 का कर। अब इसमें मुझे आज की डेट हाईलाइट कर, तो आप बोलेंगे सर टुडे में जाएंगे और आज की डेट डाल देंगे। क्या आज हो गया 7/07/10 हाईलाइट हो गया, लेकिन ये हमेशा यही हाईलाइट रहेगा, 7/10/2022 ही हाईलाइट रहे। कल की डेट में सिस्टम डेट चेंज होगा तो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स रेट हम डाल रहे हैं। जी, तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में आपके सामने डेट ऑफरिंग होता है, जो सिस्टम डेट से कनेक्टेड होता है, जहाँ पे ड्रॉप डाउन करके मैं टुडे सेलेक्ट कर लिया तो आज की डेट हाईलाइट होगी, लेकिन जैसे कल इसको हम खोलेंगे ऑटोमेटिकली जो है कल की डेट हाईलाइट हो जाएगी, परसों खोलेंगे तो परसों की डेट हाईलाइट हो जाएगी। तो जैसे जैसे यहाँ पे हम चेंज करेंगे, अपने आप को डेट चेंज करता रहेगा, ठीक है सर? क्लियर है? जी, डेट ऑफ। अब बात करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू, कि किसी सिलेक्टेड सेल में कोई वैल्यू मोर देन वन टाइम है उसको हाईलाइट कर। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिया हुआ है, राइट? और मैं चाहता हूँ जैसे ही कोई इसमें मल्टीपल मोबाइल नंबर डालता है तो क्या करे, हाईलाइट वो करे। हाईलाइट तो होगा। मैं यहाँ पे डुप्लीकेट पे गया और अपना ओके कर दिया। अब कोई भी मोबाइल नंबर दो बार डालेगा कि 8802579388, और नीचे मैं सेम मोबाइल नंबर को दोबारा रिपीट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग, यहाँ पे जी कम आ गया, हो गया? अगर तीन बार होगा जी तो तीनों मोबाइल नंबर को हाईलाइट कर, ठीक है? जितना बार होगा उतने सारे को हाईलाइट कर देगा। करेगा, ठीक है सर? जी, तो ये हमारा डुप्लीकेट था। इसमें यूनिक भी है, आप चाहो मान लीजिए यूनिक हाईलाइट करना है कि भाई यूनिक देख ले, तो डुप्लीकेट में ही आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ आपको यूनिक दिख जाए। एज पर योर रिक्वायरमेंट इसका यूज कर सकते हो। तो अभी हमने सीखा कि किसी पर्टिकुलर हाईलाइट सेल्स में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑकरिंग, और यहाँ पे हमने डुप्लीकेट वैल्यू। कोई दिक्कत है इसमें? नो, अब मान लीजिए कि मेरे पास डेटा है, मुझे इसमें सिर्फ टॉप बॉटम को हाईलाइट करना है, तो यहाँ आप आएंगे टॉप टॉप 10, तो ये देखिए टॉप 10 हाईलाइट कर देगा, या टॉप 100 करेंगे तो टॉप 100 हाईलाइट कर देगा, ठीक है? उस तरह से बॉटम 10 करेंगे तो बॉटम 10 को कर देता है, कि बॉटम 10 जाएगा, 100 या 5 जो भी करना चाहते हैं छोटे से। अच्छा, इसमें दो चीज़ देख रहे होंगे, परसेंटेज वाला, स्पेशली परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलता है, तो फिलहाल इसको यहाँ पे हम स्किप करते हैं, ठीक है? अब बात करती है अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। तो अबव एवरेज में हुआ कि जो सिलेक्टेड सेल है उससे जो ऊपर है वैल्यू उसको हाईलाइट कर देगा, दैट कॉल अबव एवरेज। एवरेज। तो सिलेक्टेड वैल्यू के एवरेज देखिए 135 है, तो 135 से चेंज करता है। कल के डेट में यार नंबर बढ़ता घटता है तो अपने आप को ऑटोमेटिकली वो बढ़ा घटा देगा, ठीक है? और बिलो एवरेज भी सेम वर्क करता है। अच्छा, एक चीज और होती है, जैसे मान लीजिए टोटल सेल्स वैल्यू, राइट? अब इसमें जैसे 210 है, अब मुझे इसको समझना मुश्किल पड़ रहा है कि 210 जो है वो हाईएस्ट में है या लोएस्ट में है या मिडिल के सेल में, या पोजीशन ही पता चला ना। अब मुझे इसका रैंक निकालना होगा तो रैंक में भी प्रॉब्लम होगा ना, रैंक कहाँ तक जा रही है। तो उस केस में हम डेटा बार का इस्तेमाल करते हैं। सर, तो बार क्लियरली बता रहा है कि 210 हाईएस्ट में है, क्या लग रहा है सर?
जो पार्ट्स हैं उसकी अलग अलग, बस क्या है कलर्स हैं और डिजाइन है, बाकी सब एक जैसे। अगर मैं इसको अलग सेल पे दिखाऊं आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम जाते हैं और इसको सेलेक्ट कर देते हैं, दिख रहा है जी, जैसे मेरा नंबर बढ़ रहा है, उससे से क्या हो रहा है बार भी बार अपने भी आप बढ़ को इंक्रीज कर रहा है। इसका यूज आप लोग अपने रिपोर्ट्स वगैरह में आसानी से कंपेयर करने के लिए कर सकते हैं, जहां पे आप बार चार्ट इस्तेमाल ना कर सको, क्योंकि तो चार्ट से एक लिमिटेड डेटा तो होती है ना, बहुत ज्यादा डेटा हो तो जी चार्ट उस पर यूज करेगा नहीं। कलर स्केल भी सेम इसी तरह से वर्क करता है, वो कलर के हिसाब से बताता है कि कलर क्या है इस तरह से। ठीक है सर, जी तो जैसे इसी को देख लीजिए, क्या है ग्रीन, रेड टू ग्रीन, जो जितना ज्यादा रेड है वो तो छोटा है, ग्रीन है। हालांकि इसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन आपको क्लियर समझाना है तो यूज द आइकन सेट। आइकन सेट क्लियरली समझा रहा है कि लोअर मिडल अपर, ठीक है। इसी में मान लीजिए जब ये ले लेते हैं तो इसमें बता रहा है कि लोअर, ठीक है ना, लोअर, ये लोअर हो गया, लोअर टू मिडल, नियरेस्ट टू मिडल, अपर मिडल, लोअर मिडल, अपर मिडल, और यहाँ पे अपर, ठीक है। जी तो इस तरह से इसके अभी जैसे सिग्नल सिस्टम भी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये आपका पाई चार्ट सिस्टम भी है, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल है सर। जी जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ क्वार्टर वन है और यहाँ पे क्वार्टर टू है, क्वार्टर वन में 20 है, क्वार्टर टू में 60 है। अब मैं चाहता हूँ कि कंपेयर, दोनों को कंपेयर निकालें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो क्या करेंगे। अब इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप आइकन्स में जाके इसका इस्तेमाल करें, जो बड़ा है और जो छोटा है ऑटोमेटिकली यहाँ आपको दिख गया, और करके लिए बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए इसको 35 करेंगे तो शेप हो जाएगा। जी और इसका यूज हम लोग चार्ट्स में, इसमें हालांकि एक पर्टिकुलर डेटा भी यूज नहीं करते, इसका यूज हम लोग करते हैं एक रिपोर्ट्स पे, क्योंकि तो अगर आपके एक डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो फिर ओवरऑल को सिलेक्ट करेगा, दो को कंपेयर नहीं करेगा, जी ठीक है। जैसे मान लीजिए ना कि आपके पास यहाँ पे क्वार्टर वन और क्वार्टर टू है, यही पे कर देता हूँ इसी पे, और इसमें जो है आपके सामने बहुत सारे नंबर्स हैं, तो आप चाहेंगे कि एक बार सबको सिलेक्ट करें और हो जाए, तो ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत, ठीक है, क्योंकि तो आप पूरा को सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो पूरा के अकॉर्डिंग होगा, किसी एक के अकॉर्डिंग नहीं होगा, देख रहे हैं ना सर। एक के अकॉर्डिंग नहीं होगा, पूरा के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे देखिए ना, 30 और 35 दोनों लोअर आ रहा है ना, ये मिडिल आ रहा है, तो आपको अगर ऐसा करना पड़े तो फिर आपको एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। F4 इस कर... नहीं F4 कंडीशन फॉर्मेटिंग को F4 यूज नहीं करता, आपको वन बाय वन करना पड़ेगा। और आप चाहोगे मैं फॉर्मेट पेंटर से पेंट कर दूं तो उसमें भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप इसको वन बाय वन करें। अब इसमें देखेंगे कि आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग्स में हर कैटेगरी में देखेंगे मोर रूल्स दिख रहा है, दिख रहा है मोर रूल्स। देखिए ये जो बाहर जो चीज आपने अप्लाई किया वो क्या था, मोस्ट यूजेस था, एग्जैक्ट नहीं। जैसे देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं है इसमें, लेस देन इक्वल टू नहीं है, नॉट बिटवीन नहीं है, नॉट इक्वल टू नहीं है, एक कंटेन है, स्टार्ट विथ एंड विथ नहीं है, तो ये सारी चीज आपको न्यू रूल्स या मोर रूल्स से मिलती है, जहां सारे कंडीशंस आप हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, इसमें फॉर्मूला वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे।